हाथी और मानव के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने भूपेश्वर सरकार बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर छत्तीसगढ़ एलिफेंट स्टेट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। 15 अगस्त को जो घोषणा मुख्यमंत्री लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने की थी, अब उस पर तेजी से काम भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं दिन दूर नहीं जब लेमरू एलिफेंट रिजर्व पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएगा। कैसे, देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जल जंगल जमीन से परिपूर्ण एक हरा भरा राज्य। इस राज्य में खनिज संपदा के साथ साथ वन प्राणियों की संख्या अच्छी खासी है। विशेषकर आज छत्तीसगढ़ हाथियों का रहवासी क्षेत्र बनते जा रहा है, लेकिन जिन क्षेत्र में हाथियों की बसाहट है उसी क्षेत्र में खनिज संपदा भी है, कोयला खनन इलाका भी है। ऐसे में हाथियों और मानव संघर्ष भी छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। हाथियों का रहवास इलाका भी प्रभावित हुआ है। सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए करीब 2000 वर्ग किलोमीटर में लेमरू एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दे दी है। 15 अगस्त को लेमरू प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी। एक नजर में ये प्रोजेक्ट लेमरू एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र 1995 वर्ग किलोमीटर आरक्षित इलाके में 6 नदियां बहती हैं, 200 से अधिक हाथियों का रहवासी क्षेत्र, हाथियों को 14 दलों में बांटा गया है। लेमरू क्षेत्र में सरगुजा बिलासपुर संभाग का इलाका, हरदेव अरण्य का क्षेत्र। लेमरू में हाथियों के रहने और भोजन पानी की पूरी व्यवस्था। फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र में कोरबा और कटघोरा का सबसे बड़ा इलाका, रायगढ़ के धर्मजयगढ़ डिवीजन का कुछ क्षेत्र भी शामिल किया गया है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व ये सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला है, विशेष करके वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के दृष्टि से। ये पूरा क्षेत्र जहाँ पर काफ़ी तादाद में कोल डिपॉजिट्स हैं, और अभी तक का जो एक अनुभव है वो यही कहता है कि जहाँ जहाँ पर भी माइनिंग होती है वहाँ पर वन पर्यावरण, वन्य प्राणियों का नुकसान होता है। और उस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एलिफेंट्स के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। लेमरू एलिफेंट के विकसित हो जाने से छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए सुरक्षित रहवासी इलाका हो जाएगा। इससे हाथियों को लेकर होने वाले नुकसान नहीं होंगे। विशेषकर कोरिया, सूरजपुर, मरवाही, कोरबा, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में होने वाले मानव, फसल और अन्य तरह के नुकसान में कमी आएगी। आज केरल को एलिफेंट स्टेट के रूप में जाना जाता है, लेकिन लेमरू एलिफेंट रिजर्व के विकसित हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ भी एलिफेंट स्टेट राज्य बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। यह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद अब विभाग की ओर से काम में तेजी ला दी गई है। लेमरू प्रोजेक्ट प्रगति पर है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बनने जा रहा है। इसमें बहुत सघन वन है, वर्ष भर पर्याप्त पानी की व्यवस्था रहती है। तो पानी और चारा, ये दो चीज यदि उपलब्ध हो जाते हैं तो उससे एक हाथियों के लिए एक स्थायी निवास वो बनेगा। और जो हाथी और मानव द्वंद्व की घटनाएं जो लगातार पिछले 2-3 वर्षों से हो रही हैं उस पर काफी कमी आएगी। वास्तव में कोयला खनन से प्रभावित हाथी और वनांचल में रहने वाले लोगों को इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद बड़ी राहत मिलेगी। सबसे बड़ी कामयाबी हाथियों और मानव के बीच होने वाले संघर्ष की समाप्ति होगी। तो वहीं हाथियों के इलाके में भी बाहरी लोगों की घुसपैठ नहीं हो सकेगी, ना माइनिंग के लिए ना रहने के लिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो वाकई तब होगी जब छत्तीसगढ़ को भी एलिफेंट स्टेट राज्य के रूप में जाना जाने लगेगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।